हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, प्रो कबड्डी में बहुत से देशों से खिलाड़ी आते हैं। साउथ कोरिया, ईरान, केनिया, बांग्लादेश, जापान और ऐसे कई देशों से खिलाड़ी आते हैं पीकेएल में अपना जलवा दिखाने के लिए। आज की स्टूडियो में हम आपको पीकेएल के टॉप 5 ओवरसीज रेडर्स और डिफेंडर्स के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। दोस्तों, आपका सब्सक्राइब करना हमें बहुत मोटिवेट करता है। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं टॉप 5 फॉरेन डिफेंडर्स जिन्होंने पीकेएल में अपना जलवा दिखाया है। नंबर 5, मिराज शेख। ईरान के मिराज शेख ऑलराउंडर है। इनका पीकेएल का सफर काफी बेहतरीन रहा है। पीकेएल के 5वें सीजन में वे मोस्ट सक्सेसफुल ऑलराउंडर थे। मिराज शेख का सिग्नेचर मूव स्कॉर्पियन किक है। मिराज शेख ने अपने पीकेएल के 91 मैचेस में 54 टैकल पॉइंट्स हासिल किए हैं। इनका ओवरऑल रैंक टॉप डिफेंडर्स में 66 आता है। दोस्तों, इनका नाम आप टॉप रेडर में भी पाएंगे। फिलहाल हम टॉप डिफेंडर की बात कर लेते हैं। नंबर 4, फरहाद रहीमी। दोस्तों, फरहाद भी एक ऑलराउंडर है। इन्होंने अपने पीकेएल करियर की शुरुआत सीजन 5 से की थी। ईरान के इस खिलाड़ी ने पीकेएल में 62 मैचेस खेले हैं, जिनमें उन्होंने कुल 79 टैकल पॉइंट्स निकाले हैं। दोस्तों, इन्होंने लगभग अपना उतना ही योगदान रेडिंग में भी दिया है। इनका ओवरऑल रैंक 45 है टॉप डिफेंडर्स में। नंबर 3, हादी ओस्तुराक। दोस्तों, हादी अपने जबरदस्त ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। हादी ईरान के खिलाड़ी है। इन्होंने पीकेएल में सीजन 2 से एंट्री ली है। हादी ने पीकेएल करियर में कुल 72 मैचेस खेले हैं, जिनमें उन्होंने 109 टैकल पॉइंट्स कमाए हैं। इनका ओवरऑल रैंक 32 है टॉप डिफेंडर्स में। इनका सिग्नेचर मूव ब्लॉक है। नंबर 2, अबुजार मिगानी। दोस्तों, अबुजार डिफेंडर है जो ईरान के निवासी है। इन्होंने पीकेएल के सीजन 5 में एंट्री ली। ईरान के पावर हाउस अबुजार मिगानी एक राइट कॉर्नर डिफेंडर है। पीकेएल में 63 मैचेस खेल चुके अबुजार 160 टैकल पॉइंट्स हासिल करने में कामयाब रहे हैं। इनका ओवरऑल रैंक टॉप डिफेंडर में 24 है। इनका सिग्नेचर मूव बैक होल्ड है। नंबर 1, फजल अत्राचली। दोस्तों, ईरान के फजल अत्राचली एक डिफेंडर है। फजल एक ऐसे खिलाड़ी है जिन्हें कई बार बेस्ट डिफेंडर का अवार्ड मिल चुका है। इन्होंने कुल 103 मैचेस खेले हैं, जिनमें उनके 317 टैकल पॉइंट्स है। दोस्तों, फजल पहले ऐसे फॉरेन के खिलाड़ी है जिन्होंने पीकेएल में 300 टैकल पॉइंट्स का मुकाम हासिल किया है। इनको ओवरऑल रैंक 3 है टॉप डिफेंडर्स में। इनका सिग्नेचर मूव डैश है। दोस्तों, अब बात कर रहे हैं टॉप 5 रेडर्स की जो भारतीय नहीं है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका सबसे फेवरेट ओवरसीज कबड्डी प्लेयर कौन है। नंबर 5, डोंग जोन ली। दोस्तों, साउथ कोरिया के डोंग जोन ली एक रेडर है। इन्होंने सीजन 5 में तमिल तलावेस के खेमे से एंट्री ली। डोंग जोन ली ने अब तक कुल 34 मैचेस खेले हैं, जिनमें उन्होंने 80 रेड पॉइंट्स हासिल किए हैं। इनकी ओवरऑल रैंक टॉप रेडर्स में 68 है। नंबर 4, मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श। दोस्तों, ईरान के मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श एक ऑलराउंडर है। इन्होंने अभी सिर्फ एक ही सीजन खेला है, जिसमें वे बंगाल वॉरियर इस विनिंग टीम का हिस्सा रहे थे। इन्होंने अब तक 23 मैचेस में 92 रेड पॉइंट्स हासिल किए हैं। इनकी ओवरऑल रैंक 63 है। नंबर 3, अबू फजल मकसूदलू। दोस्तों, ये भी ईरान से है। अबू फजल मकसूदलू ने सीजन 3 में अपना डेब्यू किया था। उन्होंने अपने पीकेएल करियर में 47 मैचेस खेले हैं, जिनमें उन्हें 144 रेड पॉइंट्स मिले हैं। इनका सिग्नेचर मूव रनिंग हैंड टच है। इनके ओवरऑल रैंक 57 है। नंबर 2, मिराज शेख। दोस्तों, जैसा कि आपको वीडियो के पहले पार्ट में बताया कि मिराज शेख एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। इन्होंने अपने पीकेएल करियर में कुल 99 मैचेस खेले हैं। इन 99 मैचेस में उन्होंने जबरदस्त 350 रेड पॉइंट्स हासिल किए हैं। इनके ओवरऑल रैंक 23 है टॉप रेडर्स में। इनका सिग्नेचर मूव स्कॉर्पियन किक है। नंबर 1, जैंग कुनली। दोस्तों, जैंग कुनली को तो आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। साउथ कोरिया के जैंग कुनली पीकेएल के सबसे सफल ओवरसीज रेडर है। इनके यूनिक रेडिंग स्टाइल के बदौलत ही इन्हें इतनी सफलता प्राप्त हुई है। उन्होंने अपना जलवा सीजन 1 से ही दिखाना शुरू कर दिया था। अब तक जैंग कुनली ने 106 मैचेस खेले हैं, जिनमें उन्होंने 471 रेड पॉइंट्स हासिल किए हैं। आपने हमारे इस वीडियो में देखा ही होगा कि जैंग कुनली का ओवरऑल रैंक 13 है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
और आपके उस सहेश हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर हमें मेल करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। वंदे मातरम।